हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह 5 बजे मैं जग गई थी और मेरे हस्बैंड जी मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। प्याज था और मसाले सारे इकट्ठा करके घोल के रख दिया और पेस्ट बना दिया। ये मैं आराध्या के लिए मिल्क निकाली थी, कढ़ाई में चढ़ा दी, ब्राउन कर दिया, फिर उसके बाद मसाले सारे ऐड करके जो भी छोले मसाले मतलब पड़ते हैं सब उसमें वो ऐड है। फिर उसके बाद छोला मेरा मतलब कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आटा गूंथ के रख दिया और चावल थोड़ा लेट में बनाई थी क्योंकि सब थोड़ा लेट में खाते तब तो मम्मी इधर साफ़ सफाई कर ली, बोले कि हम झाड़ू लगाते हैं। मम्मी मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा टहलती हैं, फिर नहाती हैं, पूजा करती हैं। और फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि नाश्ते में मुझे पूरी दे दो और आज मतलब पूरी पूरी हो गया। तो फिर बोले, फिर बाद में बोले कि नहीं रोटी ही खा लेता हूँ। फिर इनका टिफ़िन मैंने पैक किया और आज तो हम दोनों का रेड रेड ही हो गया। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन अच्छा ही लगा देख के, वीडियो में पता चला। फिर एंड टाइम में जब ये स्कूल से आए तो हमने बोला भी कि हम दोनों आज रेड रेड ही पहने हैं और आराध्या भी रेड पहनी थी लेकिन वो बार बार पानी में भीग भीग के ख़राब कर ले रही थी तो चेंज कर दिया था। आज तीसरी बार मैंने उसका कपड़ा चेंज किया। आज दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद। फिर दूध वाले भैया आ गए, फिर उसके बाद दूध गर्म करके जो बर्तन वर्तन था सब मैं दूध डाल के सो गई थी। फिर उठी हूँ चाय पानी के टाइम पे। फिर यहाँ पे जब वो स्कूल से आ जाते हैं फिर मैं उनके लिए नाश्ता और मम्मी पापा के लिए चाय सबके लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रहे हैं हम पूरी, अरे बन रहा है बनाना शेक। तो आप लोग क्या पीना चाहेंगे, चाय या बनाना शेक? बथान चीनू बाबू पीने वाली है बनाना शेक और हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं पूरी एंड चाय। उनको भूख लगी है, वो अभी स्कूल से आ गए हैं तो उन्होंने बोला छोला है क्या, तो मैंने कहा छोला तो खत्म हो चुका और मैंने बनाया है ऑप्शन में दाल क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाले खानी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए सिंपल सी दाल बना लेती हूँ। मैंने तो दाल और चावल खा रखा है और फिर उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय एंड पूरी। और गाइस ब्लॉग में बने रहिए, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, मैं क्या करती हूँ कैसे रहती हूँ मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मैं बता दे रही हूँ धमकी ने प्यार से कह रही और मेरा बच्चा जग गया है और दूसरा बच्चा बनाना शेक पी रहा है और तीसरा बच्चा पता नहीं कहाँ है। सो ये मेरी प्रिंसेस पीछे से दिखने लगी है, थोड़ा आगे आराध्या। मेरी पूरी बन गई है और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी को देने और अपनी सासू माँ को देने जा रही हूँ चाय। और हमारे मतलब पापा जी जो हैं अभी आज वो बीज वूज लगा रहे हैं, मैं अभी दिखा रही हूँ क्या कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, कुछ बुरा लगेगा तो भी बोल दीजिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा ना कि मेरे में क्या कमियां हैं, मुझे क्या सुधारना चाहिए वो आप बताओगे, है ना चीनू। और वैसे आज के टाइम में या कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमियां होती हैं, बट मेरी पूरी बन चुकी है, मजा आ रही है। चीनू बाबू खाने हैं कब से, अभी मॉर्निंग में ही पूरी खाए हो आप? तो मैंने सब ठंडा करके खाया था, मैंने ऑयली और मीठा नहीं छोड़ दिया। हाँ जी, क्या क्या पी रहे हो आप? मैं फिनिश कर दिया। तुझे मम्मी ये क्या है मम्मी? अरे वो है हाथ धुल के खाइएगा और खीरा इसको बोया जाएगा। मम्मी बहुत सुंदर आ रही है, और भिंडी बोया जाएगा और खीरा बोया जाएगा, तरोई बोया जाएगा और लौकी बोया जाएगा, उसी का बीजा है
सब निकाल रहे हैं, निकाल थे अभी इसको मैं रात यहाँ पे मम्मी हमारी ब्लॉग देख रही है हमारा पहला बाबू कीजिए लीजिए। देखिए हमारे स्वामी पति देव जी आ गए और हम इनके सेवा में लग गए हैं। और ये देखो मेरी डॉल को देखो, अपने पापा का चश्मा लगाई है ये। अभी मेरे रूम की हालत थोड़ी खराब हो रखी है क्योंकि आज आए थे एसी वाले भैया, जो कि उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे पापा रूम में थे ना, इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। सो बीच में बना लेना। अरे कोई ना, आज मेरे ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग, देखिए सेम पहने हुए हैं। मेरा भी रेड है और इनका भी रेड है। मेरी बेटी रेड पहनी थी बट उसने भिगो लिया था तो मैं चेंज कर दी। वो तीसरा भी राजा हाथ में लग जाएगा, लग जाएगा। ये यहाँ पे मिर्ची लगा हुआ है और यहाँ पे लहसुन लगा हुआ, उधर बैंगन है एंड इधर टमाटर लगे हुए हैं, पत्ता गोभी। ट्रेन से जाती एकदम पास से। हेलो गाइस, आज हम लोग सब्जी उगा रहे हैं। अभी निकलेगा पेड़ से और अभी बनेगा और हम लोग खाएंगे। आप लोगों को खाना है क्या? अभी निकलेगा तो अभी हम लोग खाएंगे। आप लोग को भी खाना है क्या, पूछ लो तो। आप लोग को भी खाना है क्या? अगर आपके घर पे टमाटर ना हो तो बोलिएगा, हम पहुंचा देंगे। अगर आपके घर पे टमाटर नहीं हो तो हम पहुंचा देंगे। ये देखो आ रही है पूरा देसी स्टाइल में आ रही है। ड्रेस तो पूरा वेस्टर्न है लेकिन काम पूरा देसी वाला है। गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी को मैंने एक ड्यूटी लगा दी कि बच्चों को कुछ खिला दीजिए, तब तक मैं खाना पका लूँ। तो यहाँ पे ये फ्रूट्स खिला रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे शाम के टाइम मतलब रात के टाइम का खाना मैं मम्मी पापा का निकाल रही हूँ, सबका निकाल रही हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी पापा को खाना दे के फिर रात में ही मतलब मैं भिगो देती हूँ। ये मॉर्निंग में एक हम लोग ड्रिंक पीते हैं मतलब जीरा और ये सब रहता है। अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मॉर्निंग में हम क्या पीते हैं। तो गाइस अब कहते हैं ब्लॉग की एंडिंग, यहाँ पे मैं किचन साफ करके फिर चली जाती हूँ सोने। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अगेन मैं बोल देती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली रिलेशन वालों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन शो करें गाइस। और मैं रात को 11 बजे में एडिट करूँ गाइस। बाय।